स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इनऑर्गेनिक का। ठीक है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला यही आता है कि केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे क्या। सही है, तो वो सब चीज़ें हम करेंगे यहाँ पर डिस्कशंस इंट्रोडक्शंस में। तो सबसे पहला आर्टिकल जो हमारा रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शंस। लिखते जाएं हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शंस। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा बॉन्डिंग की इंपॉर्टेंस। फिर इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे व्हाई वी नीड बॉन्ड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड। लेकिन हम यहाँ पर सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे बॉन्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, क्लासिफिकेशंस ऑफ बॉन्ड, और उसको और ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ, लिखते जाए मेरे साथ, कोवेलेंट बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सारे टॉपिक्स हमारे एक के बाद एक शुरुआत में होंगे। ठीक है, यानी मैं आपको बताऊंगा बॉन्ड क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। ये सारा पॉइंट होने के बाद हम यहाँ डिस्कशंस करेंगे नेक्स्ट लुइस कॉन्सेप्ट्स फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और उसके बाद हम यहां पर डिस्कशंस करेंगे बॉन्ड थ्योरी, जिसके अंदर हम लुईस थ्योरी पढ़ेंगे, बी वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, सी वेस्पर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, इसके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम वही पूरा का पूरा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल के बाद हम रेजोनेंस इफेक्ट, ये सारे टॉपिक्स हमारे एक के बाद एक चलेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट, बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, ड्रेगोस एंड बैंड रूल, बैंड रूल, ड्रेगोस रूल, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे को एक एक करके करने हैं। पॉलरिटी, इन कोवलेंट कंपाउंड,
डायपोल मोमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स इसके अलावा मॉली वांडरवाल बॉन्ड लिखते जाए मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ ये हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जैसे ये वाला नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड, ये मैं पहले भी ले सकता हूं, ऑक्सी एसिड एंड सॉल्ट। नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स एंड सॉल्ट्स। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट ग्रेफाइट डायमंड स्ट्रक्चर एंड डायमंड स्ट्रक्चर फिर वापस मैं अपने मेन टॉपिक्स पे, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हमारे अभी भी बाकी हैं। लुईस थ्योरी के अंदर हम बहुत सारी चीजें ध्यान और सब क्लासिफिकेशन करेंगे, फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर और आयनिक चार्ज, ये तीनों हम यहीं डिस्कस करेंगे। एंड फॉर्मल चार्ज तो लिख ही लीजिए, फॉर्मल चार्ज। ग्रेफाइट डायमंड स्ट्रक्चर के अलावा मैं और लूंगा आपके पास सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, यानी इंपॉर्टेंट कंपाउंड स्ट्रक्चर जो अक्सर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड स्ट्रक्चर जिसमें बोरेक्स आ सकता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग एटम्स या कंपाउंड्स आते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, बोरेक्स आ सकता है, बोरिक एसिड आ सकता है, ये सब हमारे लिए होंगे। इनऑर्गेनिक बेंजीन आएगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन एंड ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये सब हमारे पास आएंगे। बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके अलावा हम इसके अंदर फिर आएंगे हम फजांस रूल एंड पोलरिटी इन आयनिक कंपाउंड हम करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड हम करेंगे,
नेचर ऑफ ऑक्साइड्स भी हम यहां करेंगे, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स मतलब यहां एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कौन से ऑक्साइड्स क्या है, वो भी हमारा मेन टॉपिक रहेगा। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो और फर्दर क्लासिफिकेशन हमारा चलता रहेगा। तो एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी इनऑर्गेनिक का बहुत बड़ा पोर्शन केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो शुरू करते हैं वन बाय वन, इज दैट क्लियर? एनी अदर पॉइंट? ठीक है, लिखें इनको। बात आती है इंट्रोडक्शंस की, कि बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन है क्या। ध्यान से देखिएगा, हेडिंग रहेगा हमारा इंट्रोडक्शंस। मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि हमारे पास लगभग 107 105 एलिमेंट्स हैं और लगभग 20 लाख से ज़्यादा कंपाउंड्स हमारे सामने आ चुके हैं और हर दिन बहुत सारे आते हैं। तो इसका मतलब इतने से एलिमेंट, इतने सारे कंपाउंड्स बनाते हैं तो बनाते कैसे हैं, वो हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन आया। तो बॉन्डिंग आपको ये हेल्प करेगा कि वो इतने सारे कंपाउंड कैसे बना रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। बनने के साथ एक होता है प्रैक्टिकल करने के बाद प्रॉपर्टी मालूम होना, और एक थ्योरेटिकली हम उस कॉन्सेप्ट को बताएं कि हाँ ये इस तरह का बनेगा। ये सारा हम यहाँ करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बॉन्डिंग के लिए हमारे लिए ये है कि कंपाउंड बनाते क्यों हैं, एलिमेंट इतने सारे कंपाउंड बना क्यों रहे हैं, ये भी हमारे दिमाग में रहेगा। तो हमारा पहला टारगेट यही है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर लिखते जाइए, इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट फर्स्ट फर्स्ट ये किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कंपाउंड्स, वाई कंपाउंड जनरेट, कंपाउंड क्यों जनरेट होगा यानी बॉन्ड जनरेट हो रहा है, एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑफ कंपाउंड। तो बॉन्ड, कंपाउंड की जगह बॉन्ड भी लिख सकते हो आप। बॉन्ड क्या है, वाई बॉन्ड जनरेट, एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड, ये एक ही बात आ रही है, क्योंकि बॉन्ड है तो कंपाउंड है, कंपाउंड है तो बॉन्ड है। ठीक है, चलो हमने ये तो कर लिया कि बॉन्ड है, हमने उसके लिए थ्योरीज दी। जो थ्योरी ज्यादा अच्छे से आंसर दे रही है वो थ्योरी ज्यादा फैशन में आती चली गई, टाइम टू टाइम थ्योरी चेंज होना पड़ता रहा। क्यों? क्योंकि कोई भी थ्योरी बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं थी। क्यों नहीं थी, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम सारी थ्योरी प्रैक्टिकल बेसिस, जो डाटा कलेक्ट हो रहे थे उनके आधार पर दे रहे थे, न कि हम कोई चीज बहुत ज्यादा मैथमेटिकली या कोई देखकर हम बता रहे हैं, क्योंकि हम देख तो सकते ही नहीं एटम और मॉलिक्यूल्स को। तो हम उनकी से प्रॉपर्टीज को मेजर करके कुछ कंपाउंड्स की दूसरे कंपाउंड्स के ऊपर हम कमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। समझ में आ रहा है, सिंपल सा है, आप बहुत ज्यादा नहीं बता सकते। तो ये एक पॉइंट रहा, जो थ्योरी ज्यादा सटीक जानकारी दे रही थी वो ज्यादा फैशन में आ गई, तो कुछ थ्योरीज हमारे पास आने लगी, हम उनको एक एक करके पढ़ने लगे। लेकिन इंट्रोडक्शन में हमारे लिए सबसे पहला काम था वाई बॉन्ड जनरेट, सबसे पहला यानी वाई एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म। तो हमारा मेन क्वेश्चन यही था, पहला क्वेश्चन जो बना, वाई एलिमेंट प्रेजेंट यानी एटम्स, एलिमेंट्स की जगह हम एलिमेंट भी एटम्स भी रख सकते थे, वाई एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल फॉर्म। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, वाई बॉन्ड फॉर्म,
दोनों का मतलब एक ही है। देखो कोई भी प्रोसेस हो, फिजिकल हो या केमिकल हो, उसके पीछे एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसमें एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो उसके होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि यहाँ पर वाई का आंसर एक ही लाइन में अगर आपको लिखना हो तो ड्यू टू स्टेबिलिटी, तो आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर एक ही पॉइंट, व्हेन एटम्स कंबाइन एंड जनरेट मॉलिक्यूल देन स्टेबिलिटी देन हीट यानी एनर्जी लिबरेट एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो हमारे दिमाग में एक ही है कि कभी भी कोई एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। एक और पॉइंट है जो जनरली बच्चों को परेशान कर सकता है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंट है, डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि हम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोर देन वन एटम्स, यानी कि मोर देन वन एटम, मोर देन वन एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड। यानी एक या एक से मोर देन वन एटम, एक से ज्यादा एटम एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, कंबाइंड हुए, फॉर्म हो रहा है, तो जब उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। जैसे हमारे लिए H2 भी मॉलिक्यूल है और H2O भी मॉलिक्यूल है और CO2 भी मॉलिक्यूल है और कुछ भी हम ले सकते हैं, N2 भी मॉलिक्यूल है और N2O5 भी मॉलिक्यूल है। जबकि कंपाउंड के बारे में हम बोल सकते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट, ऑफ एलिमेंट कंबाइंड देन जनरेटेड स्पीसीज कॉल्ड कंपाउंड। यानी हमारे लिए H2 कंपाउंड नहीं है क्योंकि एक ही एलिमेंट है, लेकिन H2O कंपाउंड है। ऐसे N2 हमारे लिए कंपाउंड नहीं है, मॉलिक्यूल तो है, N2O5 कंपाउंड है। थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। बहुत बेसिक से पॉइंट्स है, लेकिन ठीक है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, जो भी है, बन क्यों रहा है। हमारा मेन क्वेश्चन ये था कि बन क्यों रहा है, तो हमने आंसर भी दिया, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ हीट, यानी ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि कुल मिला के पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो मैं इसको समझा सकता हूँ एक एग्जाम्पल लेके, और वो है फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही पकड़ा मैंने, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। आप भी समझिए, H2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं बोलूंगा मैं इस जगह। देखिए ये हमारे पास H हाइड्रोजन एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है और उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है,
समझ में आ रहा है? यहां दो तरह के फोर्स हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो ये जो फोर्स लगेगा ये कौन सा रहेगा? अट्रैक्शन। किस किस के बीच में? एक एटम का न्यूक्लियस, दूसरे का इलेक्ट्रॉन, दूसरे का न्यूक्लियस, पहले का इलेक्ट्रॉन। और एक रिपल्शन लगेगा किस किस के बीच में? न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में। ये कौन सा लगेगा? रिपल्शन फोर्स, और यहां अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो आप खुद भी समझ रहे हैं कि एक रिपल्शन फोर्स जा रहा है, एक अट्रैक्शन फोर्स जा रहा है। शुरुआत में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा और एटम्स एक दूसरे के पास आएंगे और एनर्जी लिबरेट करेंगे। जब रिपल्शन फोर्स और अट्रैक्शन बराबर आ गया, वहां रुक जाएंगे, क्योंकि रिपल्शन फोर्स पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता है और अट्रैक्शन कम करता है। तो ये पॉइंट भी आता लिखने लायक है। अट्रैक्शन फोर्स लिख लीजिए, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी, पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां स्टेबिलिटी बढ़ेगी, डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी, सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। और रिपल्शन फोर्स इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी, सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ये एक हमारे पास बहुत इजी है कि अगर दोनों में दो, कोई भी मान लीजिए, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल है मैग्नेट के, अट्रैक्शन है रिपल्शन है, अट्रैक्शन है, पास आ जाएंगे अपने आप, एनर्जी लिबरेट होगी। अट्रैक्शन फोर्स है तो जितना पास आएंगे एनर्जी लिबरेट होगी। नॉर्थ नॉर्थ के सामने पास आने की कोशिश करेंगे ही नहीं, जबरदस्ती लाओगे, जबरदस्ती होगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी, जबरदस्ती का मतलब बाहर से। तो ये बात सही है कि अट्रैक्शन फोर्स में एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है सिस्टम की और एनर्जी लिबरेट होती है सिस्टम से। और रिपल्शन फोर्स में बाहर से एनर्जी लानी पड़ती है तब जाके वो पास आते, नहीं तो वो पास आते ही नहीं है। तो जहां से रिपल्शन फोर्स डोमिनेट कर दिया वहीं पे वो प्रोसेस रुक जाता है, उसके बाद बाहर से एनर्जी दो तो बात अलग है, नहीं तो खुद से तो वो नहीं करेगा। तो ये हमारे पास बॉन्ड मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन का एक तरीका हो गया। मैं इसको और आगे डेप्थ में समझा रहा हूं कर्व के अकॉर्डिंग। तो जब हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से बहुत दूर है, ना तो उनके पास अट्रैक्शन होगा, ना उनके पास क्या होगा? रिपल्शन होगा। मान लीजिए ये मेरे पास एनर्जी कर्व है, पोटेंशियल एनर्जी, सही है, बहुत दूर है हमारे हाइड्रोजन एटम्स, ये देखिए। तो इस जगह कौन सा फोर्स है? ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन। अब दोनों पास आए, शुरुआत में अट्रैक्शन डोमिनेट करता है तो उन ये पास आए और पास आए और पास आए, बस अब ज्यादा पास आते हैं तो रिपल्शन डोमिनेट कर जाता है। तो ये वाली जो पोजीशन आएगी आपके कर्व की, ये वाली पोजीशंस में हमारे पास सिस्टम की एनर्जी सबसे कम है, और उसने कितनी एनर्जी लिबरेट करी है? जीरो से स्टार्ट किया था और इतनी एनर्जी लिबरेट कर चुका है। अगर इतनी एनर्जी आप वापस दो तो ये वापस सिस्टम यहां से वहां चला जाएगा। तो ये एनर्जी लिबरेट कर चुका है और यही इतनी दोगे तो वापस वो वहां चला जाएगा। तो ये वाली एनर्जी जो होगी, ये डिफरेंस जो होगा एनर्जी का, वो क्या कहलाएगा? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मैग्नीट्यूड में बताते हैं हम इस चैप्टर में यहां पर। तो बॉन्ड एनर्जी कितनी है? इतनी दे दोगे वापस वहां पहुंच जाएगा, वहां से वापस इतनी दो यहां होगा तो इतना लिबरेट करके यहां आ जाएगा। इसके बाद वो अब क्योंकि
रिपल्शन फोर्स डोमिनेट करने लग गया, तो एटम्स एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। अगर आपको लाना है तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, खुद से तो नहीं आएंगे, और उससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। समझ में आ रहा है? यानी खुद से तो वो इसके ज्यादा नजदीक नहीं आ सकते। तो यहां जो डिस्टेंस कहलाएगी कौन सी, ये वाली डिस्टेंस, ये कहलाएगी आपकी बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इससे ज्यादा वो पास नहीं आएंगे। तो बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन भी आपके लिए क्लियर हो गई। नियरेस्ट क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस इसका, ये न्यूक्लियस इसका, पहले बहुत ज्यादा डिस्टेंस थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर अब तो इतनी हो गई। तो ये हमारे लिए बॉन्ड लेंथ है। समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड लेंथ को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पैरामीटर में। तो ये हमारे लिए क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन, और ये हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम। तो ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी लिबरेट हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, लिबरेट, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जब भी किसी प्रोसेस में लिबरेट हो रही है खुद से, तो वो खुद ही होता है, प्रोसेस अपने आप खुद ही चलता है, स्पॉन्टेनियस होता है, चलने दो, खुद हो जाएगा। दो हाइड्रोजन एटम को एक कमरे में छोड़ दो, अपने आप बॉन्ड बना के यहाँ तक आ जाएंगे और H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ HH अलग अलग थे, और यहाँ पर अब वो H2 कहलाएगा, H2 मॉलिक्यूल, और यहां तक क्या कहला रहे थे, H हाइड्रोजन एटम कहला रहे थे। तो हमने तो दो हाइड्रोजन को छोड़ा था, मॉलिक्यूल बन गए अपने आप ही, अट्रैक्शन है भाई, क्या करें, ठीक है। तो इसलिए बॉन्ड बनते हैं। तो ये मैंने एक बॉन्ड बताया, लेकिन हमारे दिमाग में फिर अगला पॉइंट आ गया कि अगर बॉन्ड इसलिए बन रहा है, बॉन्ड क्या होता है वो भी हमें समझ में आ रहा है, बॉन्ड इसलिए बन रहा है ये भी समझ में आ रहा है, एक तरह से अट्रैक्शन फोर्स ही है बॉन्ड हमारे लिए, क्या है, फर्स्ट न्यूक्लियाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सेकेंड न्यूक्लियाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लेकिन इसका क्लासिफिकेशन और ज्यादा डेप्थ में हम कैसे करेंगे, वो हमारा एक टॉपिक हो गया। क्यों बन रहा है वो हम कर चुके हैं, फायदा ही है, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। तो अब अपना अगला पॉइंट क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो देखते हैं किस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो हमारा हेडिंग डालेगा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, हेडिंग डाल लीजिए। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हमारा सेकंड टॉपिक यही था, हेडिंग रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। देखिए बहुत इजी पॉइंट्स पे हम आ रहे हैं, हम मेनली दो तरह से क्लासिफाइड कर रहे हैं, पहला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा वीक बॉन्ड। तो ये हमारे लिए हो गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और ये हमारे लिए हो गया वीक बॉन्ड। अब आप ही बताइए मेरे को, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन से आएंगे, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक, ये वैसे सभी स्ट्रॉन्ग ही, मेटालिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, और वीक बॉन्ड हमारे पास आ गए हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडरवाल बॉन्ड, तो मुझसे यही पूछा कि आप स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहे हो, क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है, इनकी बॉन्ड एनर्जी अगर आप बात करो तो 400 किलो जूल से भी ज्यादा है, किलो जूल पर मोल, ये अप्रॉक्सीमेट इतनी है। और वीक बॉन्ड के लिए बात करो तो इनकी बॉन्ड एनर्जी कम है, बहुत कम है, 40 किलो जूल पर मोल से भी कम है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होती है, 400 से भी ज्यादा है, इसका मतलब
ये नहीं कि हमेशा ही ज्यादा होगी, अप्रोक्सीमेट इतनी आ सकती है। अब अगला क्वेश्चन होता है कि आयनिक मेटेलिक कोवलेंट कोऑर्डिनेट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा होता है। सभी स्ट्रांग होते हैं अगर बाय डिफॉल्ट पूछा जाए आयनिक, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोवलेंट कंपाउंड में एक से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बन के, छोटे छोटे बच्चे भी जब बहुत सारे हो जाते हैं तो बड़ों से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो एक नॉर्मल एक बॉन्ड का एक बॉन्ड से कंपेयर किया जाए तो आयनिक ज्यादा है, अदरवाइज कोवलेंट भी अपनी बाजी मार सकता है। ठीक है, तो वो वाली बात आ रही है कि हम एक बॉन्ड का एक बॉन्ड से कंपेयर करें तो ही कंपेयर कर पाएंगे, और उस कंडीशन में आयनिक सबसे ज्यादा, फिर मेटेलिक, और फिर कोवलेंट और कोऑर्डिनेट तो सिमिलर हैं। ठीक है, ये रहा हमारा एक बेसिक क्लासिफिकेशन। अब एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज हम पे डिस्कस करेंगे। आ रही है बात समझ में? हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडर वान बॉन्ड, ये दोनों ही वीक बॉन्ड में आते हैं, जिनको हम इसी टॉपिक के अंदर बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे कि इनसे क्या प्रॉपर्टीज जनरेट होती है या क्या इससे कंपेयर हो जाता है। लेकिन ये बात तो सही है कि हमें ये छह तरह के बॉन्ड की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अगर है तो हमें बॉन्डिंग इजी लगेगा। तो सबसे पहले डालिए हेडिंग आयनिक बॉन्ड।